पालिका में नगर अध्यक्ष हरिदिन माकुड़ साहब ये आज बाजारों के लिए यहाँ पर जो पुराना बाजार था उस बाजार को ही साफ कर रहे हैं। ये कलदार चौक हिवड़ के रोड आकोट पोपटकेला रोड पर मैं माकुड़ साहब से बोलना चाहता हूँ कि बाजार वालों के लिए आपने कौन से जगह पे साफ सुफ करे है। आज भारत स्वतंत्र होके 60-70 साल हुए, उस वक्त नगर पालिका में इस हिवरखे रोड पर जो सब्जी मंडी के लिए वोटे बनाए थे, उस वक्त गांव की लोक संख्या 40-45 हज़ार थी। आज की लोक संख्या देखते हुए 1 लाख लोक संख्या आकुट शहर की हुई, और जो आज जो कोरोना ग्रस्त जो वायरस पूरे देश में फैला, और शासन का कहना है कि इकट्ठा मत रहो, एक जगह सब्जी में मंडी में जो भीड़ हो रही थी वो भीड़ को अलग अलग जगह करके गांव को उनकी सुविधा के लिए जो सब्जी मंडी के सारे गांव में अलग अलग जो सब्जी मंडी बिठा रहे, क्योंकि गर्दी न हो, वो कोरोना का प्रादुर्भाव न हो, इसलिए आज इस योरखे रोड के पोपट के रोड पर जो बस्ती हो गई उनके सुविधा के भी लिए आज ये नगर पालिका मार्फत ये सब्जी मंडी की वोटे साफ सफाई का अभियान एडीओ साहब ने भी बोले, तहसीलदार साहब ने, सब नागरिकों का कहना है कि इधर की बस्ती के लिए सुविधा, ये सुविधा का एक शासन का निर्देश है, उसके लिए नगर पालिका ये सब सुविधा आप इधर के बस्ती के लोगों के लिए कर रही, यानी गांव में जाने के लिए भी उनको तकलीफ ना हो, उनके लिए ये सुविधा खास करके किए जा रही। अच्छा हरिदिन माकुड़ साहब नगर अध्यक्ष आकोट नगर पालिका के, मैं इनसे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बाज़ार वालों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ पर देखो पुराने बाज़ार थे उस पुराने बाज़ार को साफ करते हुए कोरोना वायरस के लिए गर्दी ना होने की वजह से माकोड़े साहब नगर अध्यक्ष उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा करे। यहाँ GCP मैं फोटो कैमरेमैन से कहना चाहता हूँ कि वो अपना GCP बदला है माकोड़े साहब के साथ, कि मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अलग अलग तरीके से यहाँ पर गर्दी ना होने की वजह से साफ सफाई कर रहे हैं, और मैं इनसे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अध्यक्ष साहब का कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पर साफ सफाई का ख्याल रखते हुए। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ATPO साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। शारिक आकोट। हाँ लो, यहाँ पर तो बात हो रहा है।